आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कांग्रेस के पूर्व नेता सीएम इब्राहिम ने जनता दल सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। कर्नाटक में सिद्धरामैया सुरजेवाला समेत 36 कांग्रेसी नेताओं पर मुकदमा दर्ज। सीएम आवास के बाहर किया था प्रदर्शन। राज ठाकरे ने दिया था 3 मई तक का अल्टीमेटम। अब उद्धव सरकार ने लाउडस्पीकर को लेकर लिया बड़ा फैसला। मुंबई और अमरावती में 2 गुटों में संघर्ष। आगजनी और पथराव के बाद पुलिस ने कई लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में आज से ऑटो टैक्सी और मिनी बस ड्राइवरों की हड़ताल शुरू। उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर में स्कूलों में फीस में वृद्धि के विरोध में अभिभावकों ने किया जूते पॉलिश। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस के पूर्व नेता सीएम इब्राहिम, जो हाल ही में जनता दल सेकुलर में शामिल हुए, ने रविवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। शहर में एक कार्यक्रम में इब्राहिम ने जनता दल सेकुलर सुप्रीमो एचडी देवगौड़ा और विधायक दल के नेता एचडी कुमारस्वामी की उपस्थिति में पद का कार्यभार संभाला। वरिष्ठ नेता ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाने से नाराज थे। इब्राहिम ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सकलेशपुर के विधायक एचके कुमार स्वामी की जगह ली है। इस बीच कुमार स्वामी को जनता दल सेकुलर राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। कर्नाटक में पूर्व सीएम सिद्धरामैया, डीके शिवकुमार, रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत 36 कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हाल ही में ग्राउंड पुलिस स्टेशन में इन नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 143 व 103 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन सभी पर मुख्यमंत्री आवास पर अवैध रूप से प्रदर्शन करने का आरोप है। कर्नाटक में एक कंट्रैक्टर की खुदकशी से उठा बवाल गहराता जा रहा है। इस मामले में मंत्री ईश्वरप्पा का नाम सामने आने के बाद से विपक्ष मुखर है। पिछले सप्ताह ईश्वरप्पा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने प्रदर्शन किया था। ये नेता सीएम आवास की बढ़ रहे थे कि इन्हें हिरासत में ले लिया गया। दरअसल ईश्वरप्पा पर कंट्रैक्टर संतोष पाटिल को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। ईश्वरप्पा और उनके 2 सहयोगियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर छिड़े सियासी घमासान के बीच उद्धव ठाकरे सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सूचना के अनुसार महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कहा है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए प्रशासन से इजाजत लेनी होगी। बिना इजाजत लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी सरकार का ये फैसला उस समय आया है जब मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है। राज ठाकरे ने कहा है कि वो 3 मई तक इंतजार करेंगे। अगर महाराष्ट्र सरकार ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाई तो हम भी लाउडस्पीकर पर तेज आवाजों में हनुमान चालीसा बजाएंगे। उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में भी कई स्थानों पर लाउडस्पीकर में हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर दिया। मुंबई पुलिस ने ऐसे कई मामलों में कार्रवाई करते हुए मनसे कार्यकर्ताओं पर जुर्माना ठोका है। अब महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने बिना इजाजत लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को गैर कानूनी बताया है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में 2 गुटों में संघर्ष के बाद इलाके की सुरक्षा बढ़ गई है। जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस हर गतिविधि पर नजर रख रही है। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है जो कि रात से जारी है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार कल रात अमरावती जिले के अचलपुर में झंडा निकालने को लेकर विवाद हो गया था। इस दौरान 2 समुदाय के लोगों के बीच मारपीट भी हुई। गुस्साए लोगों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की। इस दौरान पुलिस को भी वहां मौजूद लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। मुंबई में शिवसेना विधायक मंगेश बदलकर की पत्नी रजनी रविवार को अपने आवास पर कथित रूप से मृत पाई गई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को आत्महत्या का शक है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि आगे की जांच जारी है। बताया गया है कि केरल पूर्व के नेहरू नगर इलाके में डिग्निटी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी स्थित उनके फ्लैट में सुबह करीब 8:30 बजे रजनी कदलकर का शव उनके फ्लैट से लटका मिला। नेहरू नगर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा कि शुरुआती जानकारी के अनुसार उसने आत्महत्या कर ली, हालांकि कारण अभी स्पष्ट नहीं है। मंगेश कदलकर कारला विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधियों करते हैं।
दिल्ली में ऑटो टैक्सी और मिनी बस चालकों के विभिन्न संगठनों ने आज से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विभिन्न यूनियन किराया दरों में बढ़ोतरी और सीएनजी की कीमतों में कमी किए जाने की मांग कर रहे हैं। अधिकतर संगठनों ने कहा है कि वे एक दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे, लेकिन सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन दिल्ली ने कहा है कि आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेगी। दिल्ली सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से किराया संशोधन पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा किए जाने के बावजूद संगठनों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। अब वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बिदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9994528-3920, 8488222197। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बिदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बिदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहाँ पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाया जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बिदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। फोन नंबर 08483228272। के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। ये देखते हैं आगे समाचार। उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर में निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी से अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और रविवार को नेफुआ तथा एनसीआर अभिभावक संघ के बैनर तले अभिभावकों ने ग्रेटर नोएडा में जूते पॉलिश कर विरोध प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने जूते पॉलिश कर चंदा भी एकत्र किया। अभिभावकों का कहना है कि महंगाई के कारण घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया है, ऐसे में बड़ी हुई फीस कैसे दें। अभिभावकों का कहना है कि शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन निजी स्कूलों की मनमानी रोकने में नाकाम है। नेफुआ के अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया, स्कूलों की मनमानी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से अभिभावक परेशान हैं। महामारी में कई राज्यों में निजी स्कूलों ने फीस माफ कर दी है। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही अपेक्षा थी। ऑनलाइन कक्षाएं चलने के बावजूद अभिभावकों से पूरी फीस वसूली गई है। पंजाब के रूपनगर में एक आवारा जानवर के पटरी से उतरने से मालगाड़ी पटरी से उतर गई। जानकारी के अनुसार रविवार रात करीब 12:30 बजे अचानक सांडों का झुंड
मुलवाहक वाहन के सामने आ गया। चालक ने जानवरों को बचाने के लिए इमरजेंसी ब्रेक लगाया, जिससे मालवाहक वाहन के 16 डिब्बे पटरी से उतर गए। मालगाड़ी के सभी डिब्बे थर्मल प्लांट पर कोयला छोड़कर खाली लौट रहे थे। घटना गुरुद्वारा पाठा साहिब के पास हुई। रेलवे ट्रैक को अब मरम्मत के लिए बंद कर दिया गया है। रेलवे की रेस्क्यू टीम मशीनों के साथ मौके पर पहुंच गई है और ट्रैक की मरम्मत का काम चल रहा है। पठानकोट अमृतसर रेल मार्ग पर 8 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रेलवे विभाग ने 18 अप्रैल की शाम 4 बजे तक रेलवे ट्रैक को साफ करने का दावा किया है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को किसानों का दर्द सताने लगा है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अब मंडियों में पहुंचकर किसानों की समस्याओं को सुन रहे हैं। इसी बीच उन्होंने आप पर कथित तौर पर किसानों को धोखा देने और पंजाब के लोगों से झूठे वादे करने का आरोप लगाया है। उन्होंने 25 अप्रैल को किसानों के रेल रोको आंदोलन समर्थन देने की घोषणा भी की है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है। देश दुनिया में संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। विश्व स्तर पर आयोजित किए जाने वाले इस दिवस का मनाने का श्रेय पेरिस स्थित इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स को जाता है। साल 1982 में 18 अप्रैल के दिन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट के द्वारा पहला विश्व विरासत दिवस मनाया गया था। पहली बार इस डे को ट्यूनिशियाई में मनाया गया था। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनियों में से एक मारुति सुजुकी इंडिया ने आज से नई कारों के दाम बढ़ा दिए हैं। मारुति ने कहा, सभी मॉडलों में औसत दिल्ली के एक्स शोरूम में हिसाब से ये वृद्धि 1.3% तक की गई है। ये नई कीमतें 18 अप्रैल यानी आज से लागू होंगी। मूल्य वृद्धि की घोषणा के बाद कार निर्माता के शेयरों में 0.02% की गिरावट दर्ज की गई है। मारुति सुजुकी के मुताबिक लागत खर्च में बढ़ोतरी के चलते दाम बढ़ाने का फैसला किया है। कंपनी का कहना है कि बीते एक साल में अलग अलग इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी का कंपनी के मार्जिन पर असर हो रहा है। कंपनी ने अब लागत में बढ़ोतरी का कुछ हिस्सा कस्टमर्स पर डालने का फैसला किया है, इसलिए प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। कंपनी के नए वाहनों की कीमतें आज से ही बढ़ गई हैं। मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार एक बार फिर महंगा हो सकता है। आगरा विकास प्राधिकरण ताजमहल घूमने आए घरेलू पर्यटकों का टिकट 10 रुपये और विदेशी पर्यटकों का टिकट 100 रुपये बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। खबर है कि प्राधिकरण की बैठक में प्रस्ताव पर सहमति बन गई है और जल्द ही प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार आगरा विकास प्राधिकरण का फैसला लागू होता है कि घरेलू पर्यटक का प्रवेश टिकट 10 रुपये बढ़कर 50 की जगह 60 रुपये हो जाएगा। वहीं नई दरें लागू होने पर घरेलू पर्यटकों को ताजमहल में प्रवेश और मुख्य गुंबद में जाने के लिए 260 रुपये चुकाने होंगे। इसमें 200 रुपये का टिकट मुख्य गुंबद का है, जबकि विदेशी पर्यटकों की टिकट दर 100 रुपये बढ़ाकर 1350 की जगह 1450 रुपये हो जाएगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कांग्रेस के पूर्व नेता सीएम इब्राहिम ने जनता दल सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। कर्नाटक में सिद्धरामैया सुरजेवाला समेत 36 कांग्रेसी नेताओं पर मुकदमा दर्ज। सीएम आवास के बाहर किया था प्रदर्शन। राज ठाकरे ने दिया था 3 मई तक का अल्टीमेटम, अब उद्धव सरकार ने लाउडस्पीकर को लेकर लिया बड़ा फैसला। मुंबई और अमरावती में 2 गुटों में संघर्ष, आगजनी और पथराव के बाद पुलिस ने कई लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में आज से ऑटो टैक्सी और मिनी बस ड्राइवरों की हड़ताल शुरू। उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर में स्कूलों में फीस में वृद्धि के विरोध में अभिभावकों ने किया जूते पॉलिश। केपी न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।